हेलो गाइस, आज इस वीडियो में रेफरेंस टाइप का पार्ट टू बताऊंगा। अगर आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखी है रेफरेंस टाइप की, तो मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा या तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में सीखते हैं रेफरेंस टाइप का पार्ट टू। अब सीखते हैं इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन को यूज करने से पहले सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि किस लिए यूज किया जाता है इंसर्ट कैप्शन। जैसे मेरे पास ये फाइल है जिसमें मैंने कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं और इसके अंदर मुझे कोई पिक्चर या शेप इंसर्ट करवानी है, और मुझे कल को जब ये फाइल में जब ओपन करूँ तो मुझे ये देखना है कि इस डॉक्यूमेंट में मैंने कितने पिक्चर या कितने शेप इंसर्ट करवाए हैं और कौन से पेज नंबर पे इंसर्ट है पिक्चर या शेप, तो इसलिए हम इंसर्ट कैप्शन का यूज करते हैं। चलिए एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कैसे यूज किया जाता है इंसर्ट कैप्शन का। इंसर्ट कैप्शन का यूज करने से पहले आपको सबसे पहले कोई या पिक्चर या कोई शेप इंसर्ट करवानी होगी। जैसे मैं इंसर्ट में जाकर शेप में जाकर कोई भी पिक्चर इंसर्ट करवा लेता हूँ, कुछ इस तरह मैं इंसर्ट कर लेता हूँ फिर, और यहाँ पर कलर कर देता हूँ, मैं कुछ इस तरह कलर कर देता हूँ। ऐसे मेरे पास चार पेज है, चारों में मैं कोई भी शेप इंसर्ट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरे पास चार पेज है और चारों पेज में मैंने शेप इंसर्ट कर दिए है, इधर कुछ इस तरह से शेप इंसर्ट कर दिए। अब रेफरेंस टाइप में चलते हैं तो आप देख रहे होंगे इंसर्ट कैप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस जो शेप है इसको नाम देना है, तो जो इधर लेबल है फिगर, तो यहाँ से आप इक्वेशन भी दे सकते हैं, फिगर भी दे सकते हैं, टेबल भी दे सकते हैं, और यहाँ पर फिगर वन ऑलरेडी आ रहा है, तो फिगर वन आपके शेप का क्या नाम है या आपकी पिक्चर का क्या नाम है तो वो आप नाम दे सकते हैं। जैसे मैं तो ट्राइंगल लिख देता हूँ और इसको एज इट इज रहने दीजिए जैसे आपकी सेटिंग है ऑलरेडी, और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं जो ट्रायंगल का जो शेप है फिगर वन ट्रायंगल वो आ चुका है। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा, कुछ इस तरह फिगर वन ट्रायंगल कुछ इस तरह आएगा। तो ऐसे आपको हर शेप पे नाम दे देना है। जैसे मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ इंसर्ट कैप्शन फिगर टू है, यहाँ पर आप इसको भी कुछ भी नाम दे दीजिए शेप, और जो आपको लेबल सेलेक्ट करना है फिगर टेबल या इक्वेशन वो सिलेक्ट करके और ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो इस तरह नाम आ जाएगा। तो मैं चारों में नाम दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ये चारों शेप में नाम दे दिया इंसर्ट कैप्शन की मदद से। अब इसके बाद मुझे देखना है कि इस डॉक्यूमेंट में कितने पिक्चर में मैंने नाम दिए और कौन से पेज नंबर पे है, तो हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का यूज करेंगे। इसको इंडेक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। चलिए सीखते हैं। इसके ऊपर पहले एक पेज में और ले लेता हूँ। यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रिंट प्रीव्यू, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का प्रीव्यू आएगा। यहाँ पर फॉर्मेट है फ्रॉम टेम्पलेट है, क्लास से करेंगे कुछ आपको इस तरह दिखेगा। यहाँ पर स्टाइल है, आपको जैसे स्टाइल सही लगे आप उसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं फ्रॉम टेम्पलेट वाली स्टाइल ले लेता हूँ और फिर यहाँ पर ओके पे क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं इधर जो जो मैंने शेप बनाई थी उसके इधर इंडेक्स क्रिएट हो चुका है, और इसने दिखा भी दिया कि जो शेप है वो कौन से पेज नंबर पर। जैसे मैंने फिगर वन में ट्रायंगल वाली शेप बनाई थी वो पेज नंबर टू पर है, और शेप क्लाउड एरो, जैसे मुझे एरो की पे जाना है तो ये लास्ट पेज है फिफ्थ पेज पे, तो क्या करूंगा माउस इधर ले जाऊंगा, कंट्रोल बटन दबाऊंगा कीबोर्ड का और माउस से ऐसे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये आप इधर देख सकते हैं फिगर फोर एरो की इधर लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल मैं लास्ट पेज में एकदम पहुंच गया। इस तरह आप इंसर्ट कैप्शन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे अपडेट टेबल, तो अपडेट टेबल इस सेम वैसे ही है कि इसमें अगर आपको कुछ चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ट्राइंगल है, यहाँ पर मैं ट्राइंगल की जगह कुछ और लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर शेप टू लिख देता हूँ और इसके आगे भी एक पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर शेप में जाकर
कुछ इस तरह सेफ इंसर्ट कर लेता हूँ, और इसको भी मैं फिगर नाम दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर फिगर वन है, यहाँ पर मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ उसको स्क्वायर करके, और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इधर कुछ चेंजेस करे, इस एक इसमें चेंजेस करे, एक मैंने एक नई सेफ और ले ली है। तो अब इसमें मुझे अपडेट करना है क्योंकि ये पुराना डाटा दिखा रहा है। तो क्या करूँगा, अपडेट टेबल पे क्लिक करूँगा और अपडेट पेज नंबर और ये अपडेट इंटायर, हमें एंटायर पे करना है कि हमें पूरी टेबल अपडेट करनी है। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरी टेबल ये अपडेट हो रही है। एक फिगर वन स्क्वायर है, फिगर टू सेफ टू, फिगर थ्री में सेफ है, फिगर फोर क्लाउड। आप देख सकते हैं ये फिगर वन स्क्वायर है तो यहाँ पर फिगर वन स्क्वायर आ गया, और ये फिगर टू सेफ टू है इसका नाम, तो यहाँ देख सकते हैं फिगर टू सेफ टू। तो इस तरह आप अपडेट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है तो क्रॉस रेफरेंस। इसके लिए मैंने इधर इंसर्ट टैब में, आप इधर देख रहे होंगे क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट टैब में, तो इसके लिए मैंने आपको पहले बता रखा है इंसर्ट टैब में, आप इंसर्ट टैब वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं इसको आपको आई बटन पे दे दूंगा, या तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं, वहां से आप क्रॉस रेफरेंस सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते इधर मार्क एंट्री पर। जैसे ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ए की मदद से डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट सीखते मार्क एंट्री। आप इधर देख सकते हैं जैसे मैंने इधर ये वर्ड कुछ टाइप करे हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए से कुछ वर्ड टाइप है, और यहाँ पर डी से वर्ड टाइप है, और इधर बी से कुछ वर्ड टाइप है। तो मार्क एंट्री हम बेसिकली यूज करते हैं, जैसे आप कोई पैराग्राफ है, कोई आपको इधर वर्ड मार्क करना है, और जब वर्ड मार्क कर लेते हैं तब बाद में आपको देखना है मैंने कौन कौन से वर्ड को मार्क करे हुए हैं और कौन से वो पेज नंबर पे है। तो इसलिए हम मार्क एंट्री का यूज करते हैं। अगर प्रैक्टिकल सीख लेते हैं, जैसे इधर मैंने लिखा हुआ इधर एप्पल, हम मुझे इस वर्ड को मार्क करना है, तो इस पर मैं ऐसे हाईलाइट करूंगा, जैसे यहाँ पर एप्पल है, तो इस पर मैं क्लिक करके और मार्क एंट्री पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर बोल्ट इटैलिक है, आपको जैसे मार्क करना है और बोल्ट में करना है इटैलिक, तो फिर आप टिक कर देंगे, या तो आप इधर रहने दीजिए और यहाँ से मार्क कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं जैसे आप मार्क करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह सिंबल आ जाएगा, तो उसका मतलब जो ये मेरा एप्पल है ये मार्क हो चुका है, और इस तरह कुछ सिंबल आ जाएगा। तो उससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, अगर इसको हटाना है तो आप होम टैब में जाइए, यहाँ पर शो और हाइड का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करें तो हट जाएगा यहाँ से। तो ऐसे हम एक एक को पहले मार्क कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ असम लिखा हुआ है तो मार्क एंट्री पे यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ, एंड को मैं मार्क कर देता हूँ कुछ इस तरह, फिर डू को भी मार्क कर देता हूँ इस तरह, यहाँ पर डिड लिखा हुआ है इसको भी ऐसे मार्क कर देता हूँ, या इधर डन लिखा हुआ है इसको भी मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर बॉल लिखा हुआ है, ऐसे आप मार्क कर दीजिए सबको। तो आप देख सकते हैं मैंने सब में मार्क कर दिया, और जैसे ही आप मार्क करेंगे तो सबके सामने एक्स ई करके यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका मतलब आपने हर वर्ड को मार्क किया हुआ है। अब इसको हटाना है मुझे, तो मैंने बताया था होम टैब में जाइए, यहाँ पर शो और हाइड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें तो ये हट जाएगा। अब दोबारा चलते हैं रेफरेंस टैब में। अब जैसे मुझे देखना है कि मैंने कौन कौन से वर्ड को मार्क करे हुए हैं, तो इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर कॉलम टू में है, यानी मुझे दो कॉलम में चाहिए, और यहाँ पर फॉर्मेट है फ्रॉम टेम्पलेट, क्लासी चाहिए कुछ इस तरह आएगा, फैंसी चाहिए तो कुछ इस तरह आएगा, मॉडर्न चाहिए कुछ इस तरह आएगा, या बुलेटिन चाहिए कुछ इस तरह आएगा। तो मैं अभी फैंसी में क्लिक कर देता हूँ, और मुझे दो कॉलम में चाहिए, और ओके पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह आएगा। तो ये आपको दिखा देगा जो ए लेटर है, ए लेटर से आपने कितने वर्ड मार्क करे हुए हैं, तो यहाँ पर एक लेटर से आ गया, बी से यहाँ पर है बी से, और डी से यहाँ पर है वर्ड, कुछ इस तरह आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये अभी दो कॉलम में आया है, मैं चाहता हूँ ये एक ही कॉलम में आया है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दोबारा इंसर्ट इंडेक्स पे जाना है, यहाँ पर कॉलम वन कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है, रिप्लेस दिस इंडेक्स कि इस इंडेक्स को आप बदलना चाहते हैं, ओके। तो आप देख सकते हैं पहले इधर दो कॉलम है था, अब ये एक ही कॉलम आ गया, तो जो ए लेटर्स आपने इधर मार्क करे वो सारे इधर आ चुके हैं, बी लेटर्स जो आपने इधर मार्क करे
वो यहाँ पर आ चुके हैं और डी लेटर से जो आपने मार्क करे वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरह आप मार्क एंट्री का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते थे मार्क सिटी सेल पे। सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये जो डाटा मैंने बनाया है कंट्रोल लेकर के डिलीट कर देता हूँ। अब सीख द मार्क सिटी सेल। अब आप देख सकते इधर मैंने ये कुछ डाटा बनाया है, तो इसमें आप देख रहेंगे जो पहले तीन है उसमें मैंने स्पोर्ट्स के नाम लिखे हुए हैं और इसमें मैंने फ्रूट्स के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर एनिमल के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर कलर्स नेम है। तो ये मैंने इसको कैटेगरी में करा हुआ है, लेकिन अभी ये जो डाटा है ये मेरे सारे मिक्स हो रखे है। मैं चाहता हूँ कि ये ना अलग अलग कैटेगरी में आए, कि जो स्पोर्ट्स के कैटेगरी वो अलग हो जाए, एनिमल की कैटेगरी अलग हो जाए या कलर्स की कैटेगरी अलग हो जाए। तो हम मार्क सिटीजन का यूज करते हैं, इसको एक बार प्रैक्टिकल सीख लेते हैं। जैसे हम मार्क सिटीजन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैटेगरी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे केसेस। तो यहाँ पर आपको कुछ पहले से कैटेगरी इधर मिल जाएगी, अगर आपको इधर कैटेगरी नहीं मिलती है तो आपको इधर बनानी पड़ेगी नहीं। जैसे शुरुआत में यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, ये तीन मेरे स्पोर्ट्स की कैटेगरी। तो पहले यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि इधर कोई स्पोर्ट्स की कैटेगरी है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते थे कोई भी स्पोर्ट्स की कैटेगरी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, जो आपकी इधर लास्ट में आप देख रहे होंगे जो काउंटिंग लिखी हुई इधर 10, 11, 12, तो यहाँ पर 10 पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद आप कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। इधर कैटेगरी में क्लिक करने के बाद जो आपका 10 है यहाँ पर रिप्लेस विद आ रहा है 10 पे। तो यहाँ पर आपको एक कैटेगरी बना लेनी है जिस नाम से आप कैटेगरी बनाना चाहते हैं। जैसे मैं स्पोर्ट्स के नाम से कैटेगरी बनाना चाहता हूँ तो मैं 10 को रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो रिप्लेस पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते जो मेरा 10 था वो स्पोर्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है। फिर ओके पे क्लिक कर दूंगा। फिर ऐसे ही आपको सबकी कैटेगरी बना लेनी है। जैसे इधर मेरी स्पोर्ट्स की कैटेगरी बन चुकी है, अब नीचे यहाँ पर एप्पल, मैंगो, बनाना, तो ये फ्रूट्स की कैटेगरी है। तो फ्रूट्स की कैटेगरी मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही है, अगर आपके पास नहीं होगी तो आप बना लीजिएगा। और यहाँ पर कैट, डॉग, एलिफेंट, ये मैं एनिमल कैटेगरी में डालना चाहता हूँ, तो एनिमल मुझे बनाना है। तो 11 पे क्लिक करूँगा और कैटेगरी पे जाऊँगा तो रिप्लेस विद आ रहा है, यहाँ पर 11 को हटाकर मुझे एनिमल की कैटेगरी बनानी है। तो यहाँ पर मैं एनिमल लिख दूंगा और रिप्लेस कर दूंगा। तो आप देख सकते जो मेरा 11 था इन एनिमल में कन्वर्ट हो चुका है। फिर ओके पे क्लिक कर दूंगा। फिर लास्ट में रेड, ऑरेंज, ग्रीन, तो इसको मुझे कलर में देना है। तो यहाँ पर कलर भी मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखा है, एक बार चेक कर लेता हूँ, ये रहा मेरा कलर। तो ऐसे इधर मैंने कैटेगरी बना दी। अब मुझे इन सबको कैटेगरी में मार्क करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्रिकेट लिखा हुआ है, जो क्रिकेट मेरी कैटेगरी है वो मैंने स्पोर्ट्स की कैटेगरी में बनाया है। तो यहाँ पर कैटेगरी में जाइए, स्पोर्ट्स पे क्लिक करिए और यहाँ पर क्रिकेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर दोबारा इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिकेट लिखा हुआ आ जाएगा, तो उसको आपको मार्क कर देना है। तो हॉकी को भी कुछ इस तरह मार्क कर दीजिए यहाँ से मार्क, फुटबॉल पे क्लिक करके दोबारा इस बॉक्स पे क्लिक करें और यहाँ पर मार्क। तो आप देख सकते जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी, ये तीन कैटेगरी मार्क हो चुकी है। फिर दोबारा इसको क्लोज कर देना आपको, तो ये तीन कैटेगरी मार्क हो चुकी है। अब यहाँ पर नीचे फ्रूट्स की कैटेगरी है, तो दोबारा हमें मार्क सिटीजन पे जाना है और यहाँ पर फ्रूट्स ले लेना है और यहाँ पर एप्पल पे क्लिक करना है, दोबारा इस पर क्लिक मार्क, मैंगो पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक यहाँ मार्क। तो ऐसे आपको सब पे क्लिक करके ऐसे करके आप मार्क कर सकते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं फ्रूट्स की भी कैटेगरी मेरी बन चुकी है, तो यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगा। अब नीचे यहाँ पर है कैट, डॉग, एलिफेंट, ये एनिमल की कैटेगरी है। तो दोबारा मार्क सिटीजन पे जाऊंगा, यहाँ से मैं एनिमल कैटेगरी सिलेक्ट कर लूंगा, ये मेरी एनिमल कैटेगरी और ये कैट है तो इस पर मार्क कर दूंगा, डॉग है इसको भी मार्क कर दूंगा, यहाँ पर एलिफेंट लिखा हुआ है इसको भी मार्क कर दूंगा। अब नीचे यहाँ पर है रेड, ऑरेंज, ग्रीन, तो एक कलर की कैटेगरी है, दोबारा मार्क सिटीजन पे जाऊंगा, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लूंगा, रेड पे क्लिक करा और इधर मार्क, ऑरेंज पे क्लिक करा और ये मार्क, ग्रीन पे क्लिक करा और ये इधर मार्क। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने सारी कैटेगरी बना दी है। आप जैसे जैसे कैटेगरी बनाते रहेंगे तो आप देख सकते हैं इधर कुछ इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा, तो इसका मतलब आपने सारी कैटेगरी बना दी। अब इसको हटाना है
तो होम टैब में मैंने आपको बताया था ये सो हाइड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये हट जाएगी। अब मुझे देखना है कि जो कैटेगरी मैंने बनाई है वो कैसे एडजस्ट हो रखी है। तो इंसर्ट टेबल ऑफ पोर्ट्रेट्स पे जाएंगे और यहाँ पर फ्रॉम टेम्पलेट है क्लासी, इधर कई सारे आपको कैटेगरी मिल जाएगी, आपको जो ठीक लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते। जैसे मैं फ्रॉम टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं जो फ्रूट्स की कैटेगरी है, फ्रूट्स की कैटेगरी में एप्पल बनाना मैंगो है, कलर की कैटेगरी में ग्रीन ऑरेंज रेड है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में कुछ इस तरह आई है और एनिमल। तो इस तरह आप डिवाइड कर सकते हैं अपने कैटेगरी के हिसाब से। तो दोस्तों ये था आपकी पूरी रेफरेंस टैब की जानकारी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको रेफरेंस टैब अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।